तेरा 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 सुरूर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो दोस्तों 13,000 के नीचे आने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो फिर इंट्रो में टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधा बढ़ते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की तरफ। तो फिर हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो है पोको M4 Pro। अब देखो इस फोन के दो वेरिएंट आते हैं, एक 4G और दूसरा 5G। हम जिसके बारे में बात करने वाले वो 4G है, क्योंकि 5G थोड़ा सा महंगा आता है। लेकिन दोस्तों 4G हुआ तो क्या हुआ, इस फोन के स्पेक काफी बढ़िया है, अभी आपको पता चली जाएंगे। इस फोन में आपको 6.43 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1000 nits की आपको पिक ब्राइटनेस मिल जाती है। एक तो AMOLED डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले, ऊपर से आपको रिफ्रेश रेट काफी अच्छा मिलता है, तो इसका डिस्प्ले मुझे काफी बढ़िया लगा। और परफॉर्मेंस पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि एक 12 nm का प्रोसेसर है, बैटरी के 12 बजा देगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी निकाल के देगा। मतलब गेमर्स इससे काफी खुश होंगे, आप हाई ग्राफिक में गेमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं भी करते हो ना, तब भी आप डेली यूज हो या फिर आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद इसके परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करने के लिए आपको यहाँ पर LPDDR4X RAM और UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज मिल जाती है। अब देखो फास्ट स्टोरेज फास्ट रैम परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं एनहांस करते, तो यहाँ पर आपको फास्ट स्टोरेज रैम मिलती है, तो ये काफी अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने हमारे पसंद का ध्यान रखते हुए 1 TB तक स्टोरेज को एक्सपेंड करने का ऑप्शन दिया है। मतलब अगर आपको स्टोरेज कम पड़ रहा है तो आप 1 TB तक मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हो। होता है ना कुछ तो रखना तो जरूरत पड़ जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे फेवरेट पार्ट की बात करते हैं, यानी कैमरा की। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, रियर में 64+8+2 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों कैमरा से 1080p 30fps में शूट कर सकते हो और 5000mAh की बैटरी, 33W का चार्जर मिलता है। अब देखो 12 nm का प्रोसेसर है तो बैटरी एफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल रही है, तो बैकअप आपको एक दिन से ऊपर मिल जाता है। और अगर फोन डाउन भी हो गया ना, तो यहाँ पर आपको 33W का चार्जर मिल रहा है, तो फोन काफी तेजी से चार्ज भी हो जाता है। और बाकी चीजों की बात करें तो साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5mm का जैक मिल जाता है, ड्यूअल स्पीकर मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। गर्मियों का सीजन वैसे तो खत्म होने वाला है, लेकिन हाँ फोन गर्म हो गया, यूज करने से गर्म हो गया तो फटाफट ठंडा भी हो जाएगा। एंड्रॉइड 11 MIUI 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि भाई स्पेक तो बढ़िया है, रोकड़ा बता कितना देना पड़ेगा, तो 6GB+64GB वेरियंट के लिए आपको 13,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। दूसरे फोन की बात करते हैं जो कि है इन्फिनिक्स नोट 11। अभी आप बोलोगे कि इन्फिनिक्स की नोट 12 सीरीज आ रही है, तो नोट 11 कहाँ हमें सजेस्ट कर रहा है? तो देखो ये जब वीडियो शूट हो रहा है तो इन्फिनिक्स नोट 12 सीरीज अभी तक लॉन्च नहीं हुई, और अगर लॉन्च हो भी गई तब भी इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन अभी भी बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है और जिस स्पेक के साथ ये स्मार्टफोन आता है ना, वो काबिल तारीफ है। मतलब इन्फिनिक्स की तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में, और अभी आपको पता चली जाएगा। इस फोन में आपको 6.7 इंच का FHD+ एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, तो इस फोन का डिस्प्ले काफी बड़ा है और साथ में AMOLED भी है, और साथ में यहाँ पर 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 750 nits की आपको पिक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो डिस्प्ले काफी अच्छा है, ब्राइट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कमी है कि आपको नॉच डिस्प्ले मिलता है, तो पंच होल नहीं है। आजकल पंच होल ज्यादा चलता है, लेकिन अगर आप ज्यादा दिन तक यूज कर लोगे ना, तो आप यूज तो हो जाओगे। मेरे पास भी जो फोन है वो नॉच डिस्प्ले वाला है, कुछ टाइम के बाद आपको ये चीजें मैटर नहीं करती, मतलब आपको नोटिस नहीं होता कि नॉच डिस्प्ले है या फिर पंच होल डिस्प्ले। और फिर परफॉर्मेंस पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर मिलता है, 12 nm का, बैटरी के 12 बजे देगा, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है, तो यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग के अलावा बाकी चीजें भी आराम से हो जाएंगी, LPDDR4X RAM और UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज यहाँ पर भी मिलती है, तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। और 3 कार्ड का स्लॉट यहाँ पर भी मिलता है, आप 512 GB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। फिर कैमरा पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP+2MP+AI लेंस, और यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों कैमरा से आप 2K में वीडियो शूट कर सकते हो। अब 2K मतलब 1080p से ऊपर और 4K से नीचे, दोनों के बीच में, तो ये काफी अच्छी बात है कि आप 2K में वीडियो शूट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी और 33W का चार्जर मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको बैकअप चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर इंसानों की बैटरी काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रही है, और दूसरी तरफ स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी लंबी चल रही है, और ऊपर से डाउन हो गई तो काफ़ी तेज़ी से चार्ज भी हो रही है। तो इंसानों के लिए भी ऐसा एक चार्जर बनना चाहिए फ्यूचर में, मतलब ऐसे आलस से पड़ा हुआ इंसान ऐसे एनर्जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm का जैक मिलता है, एंड्रॉइड 11 XOS 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट मिलेगा, और साथ में यहाँ पर आपको ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं और DTS टेक्नोलॉजी मिलती है इनकी। अभी आप बोलोगे कि ये
DTS किस बला का नाम है, तो DTS मतलब सराउंडिंग साउंड, मतलब आपके साउंड एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बनाता है, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। और इस फोन के प्राइस की बात करें तो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत है 12,500 रुपए। तीसरे स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि है Redmi Note 11 4G स्मार्टफोन। इस फोन में आपको 6.43 इंचेस का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, तो हाँ इसका भी डिस्प्ले काफी बढ़िया है। फिर परफॉर्मेंस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 4G प्रोसेसर है, लेकिन 6nm का प्रोसेसर है, काफी ज्यादा पावरफुल है, गेमिंग कर लो, बाकी चीजों में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज यहाँ पर भी मिल जाती है, परफॉर्मेंस और ज्यादा एनहांस हो जाता है, और साथ में यहाँ पर भी आप 1TB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों कैमरा से 1080p 30fps में शूट कर सकते हो। यहाँ पर भी 5000mAh की बैटरी और 33W का चार्जर मिलता है, तो बैकअप और चार्जिंग स्पीड की कोई यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। और बाकी चीजों की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5mm का जैक मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 11 MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, आपको Android 12 का अपडेट भी मिलेगा, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी मिलती है, तो फोन ठंडा करने में आपको मदद करेगी। और लास्ट में रोकड़े की बात करें तो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत है 13,500 रुपए, 500 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, ऑफर में 13,000 के नीचे मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला ना तो 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दो, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। चौथे स्मार्टफोन की बात करें तो वो है Realme फैंस के लिए Realme 9i। इस फोन में आपको 6.6 इंचेस का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 480 निट्स की आपको पिक ब्राइटनेस मिलती है, थोड़ी सी कम है लेकिन हाँ आउटर विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। रिफ्रेश रेट भी इसका अच्छा है, बस यहाँ पर AMOLED में मार खा जाता है, मतलब AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता। और फिर परफॉर्मेंस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर मिलता है, 6nm का प्रोसेसर है, काफी ज्यादा बैटरी परसेंट है और पावरफुल भी है, LPDDR4X रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है, यहाँ पर 2.2 की नहीं है, और यहाँ पर भी आप मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हो, 1TB तक स्टोरेज को आप एक्सपैंड कर सकते हो। फिर से फेवरेट पार्ट यानी कैमरा की बात करते हैं तो रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस, यहाँ पर डेप्थ सेंसर क्यों नहीं दिया पता नहीं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, दोनों कैमरा से आप 1080p 30fps में शूट कर सकते हो, और 5000mAh की बैटरी और 33W का चार्जर यहाँ पर भी मिल जाता है, जो कि आजकल काफी सारे स्मार्टफोन में हमें मिल रहा है, कॉमन सी चीज हो गई है ये तो। और बाकी चीजों की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5mm का जैक है, ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 11 और Realme 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी मिलेगा। और इसके प्राइस की बात करें तो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 13,500 रुपए, यहां पर भी 500 रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं, लेकिन हां ऑफर में आपको ये सस्ता मिल जाएगा। तो ये फोन Realme के फैंस के लिए था, 13,000 के नीचे अगर आप एक Realme का फोन ढूंढ रहे हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब बढ़ते लास्ट बट नॉट लिस्ट स्मार्टफोन की तरफ, यानी पांचवें स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है Moto G31 स्मार्टफोन। अब देखो इसको लॉन्च हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन ये स्मार्टफोन अभी भी पुराना नहीं हुआ, मार्केट में अभी भी ये स्मार्टफोन बेस्ट है, क्योंकि इसकी प्राइस अभी थोड़ी कम हो चुकी है, तो उस प्राइस में तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। तो इस फोन में आपको 6.4 इंचेस का FHD प्लस यहाँ पर एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, ना आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो ये थोड़ी सी कमी है, लेकिन यहाँ पर आपको 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो डिस्प्ले एक तो AMOLED है, ऊपर से ब्राइट है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, और जिस प्राइस में आता है ना तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिलता है, गेमिंग हो बाकी चीज़ें हो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम और 1TB तक आप स्टोरेज को यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हो। कैमरा की बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों कैमरा से आप 1080p 30fps में शूट कर सकते हो, 5000mAh की बैटरी मिलती है, 20W का चार्जर मिलता है, तो बैकअप इसमें काफ़ी बढ़िया मिलता है, चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो मिलती है, लेकिन हाँ बैकअप अच्छा मिलता है, तो ये चीज कहीं ना कहीं पर मैनेज हो जाती है। और बाकी जैसे Dolby Atmos का सपोर्ट है, 3.5mm का जैक है, आपको यहाँ पर Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, नियर टू स्टॉक Android एक्सपीरियंस मिलता है, और क्या चाहिए, मतलब आपको कोई फालतू के ब्लोटवेयर ऐड नहीं देखने को मिलते, और साथ में यहाँ पर आपको ThinkShield की प्रोटेक्शन मिल जाती है, मतलब प्राइवेसी को लेकर भी काफी यहाँ पर ध्यान रखा गया। और इसके प्राइस की बात करें तो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत है 11,000 रुपए, 11,000 रुपए में ये सब कुछ आपको Motorola ऑफर कर रहा है, तो बताओ इससे बढ़िया डील क्या हो सकती है। तो ये पांच स्मार्टफोन मुझे 13,000 के नीचे सबसे बेस्ट लगे। अब इन पांचों स्मार्टफोन में से जो भी स्मार्टफोन आपको पसंद आ रहा है आप डेफिनेटली उसको कंसीडर कर सकते हो, मैं रेकमेंड करता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।